अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे G5 के ऑटोमेटिक टायर इन्फ्लेटर के बारे में, जिसके अंदर ही कंप्रेसर मौजूद है। सो यू डोंट नीड टू अटैच एनी अदर कंप्रेसर विद इट। इसके अंदर इसका कंप्रेसर है जिसके जिसके थ्रू ये एयर जनरेट करता है। यू जस्ट हैव टू गिव इट इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, उसके बाद बाकी सारा इसका काम है। इसके साथ ही आप इसकी वायर देख सकते हैं, ये मेरे ख्याल में 6 mm वाइड और हाँ ऐसे ये 6 mm वाइड है और 6.3 बाई 11 mm है। सिमिलरली इसकी बॉडी भी बड़ी खूबसूरत सी है, इट्स ऑलमोस्ट 4 to 5 feet टॉल। अब एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं कितनी है इसकी हाइट, लेकिन ऑफकोर्स जब आपकी वर्कशॉप में ये रखा होता है वेयर एज जो ट्रेडिशनल टायर इन्फ्लेटर्स रखे होते हैं, एक बहुत फ़र्क आता है। सिमिलरली इसकी आप देख सकते हैं कि रेंज इज टिल 75 PSI, तो नॉर्मली आपको पता है 35-40 मैक्सिमम 50 PSI भी शायद ही किसी टायर में लग रहा है कि मैं डलती हवा। तो ये वाला सिलसिला है, और नॉर्मली अगर आप कोई टायर इन्फ्लेटर लगाते हैं तो यू हैव टू गिव एन एक्सटर्नल कंप्रेसर का कनेक्शन टू इट। तो जाहिर है अगर आपने मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जो टायर इन्फ्लेटर लगा होता है ये वर्कशॉप से थोड़े बाहर की तरफ लगा हुआ होता है, आपकी टायर शॉप से थोड़ा बाहर की तरफ लगा हुआ होता है, तो जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ये होता है कि आपको बहुत एक्सटेंडेड वायर खींचनी पड़ती है कंप्रेसर की, बड़े मसले मसाइल होते हैं जिसको ये हमारी मशीन हल कर देती है। इसके अंदर ही कंप्रेसर होता है। इफ़ यू वांट टू बाय इट या इसके बारे में मज़ीद कोई डिटेल जानना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं, मैसेज करें। और अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।